बीजेपी को लगा एक बार फिर तगड़ा झटका। हजारों समर्थकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार कांग्रेस में हुआ शामिल, भाजपाइयों में मची खलबली। बता दें जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक एक करके भाजपा के कई कद्दावर नेता भाजपा छोड़ कांग्रेस व अन्य दलों का दामन थाम चुके हैं। इस बीच भाजपा को एक बार फिर तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, कृष्ण बल्लभ आश्रम कांग्रेस मैदान में रविवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे केबी सहाय के पौत्र आशीष सहाय हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शाहजादा अनवर की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की। राजेश ठाकुर ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश का माहौल बदल रहा है। हर वर्ग के लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खुल रही है। पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से युवाओं का आकर्षण बढ़ रहा है, उसी वजह से आशीष सहाय ने सदस्यता ग्रहण की है। वहीं आपको बता दें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर ने कहा कि कांग्रेस एक गुलिस्ता है, इसमें सभी जात धर्म का सम्मान है। भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना है, देश में एनडीए की सरकार बनानी है। जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में पूरे झारखंड में कांग्रेस सशक्त हुई है। आशीष सहाय ने कहा कि वह अपने दादा कृष्ण बल्लभ सहाय की विरासत को आगे बढ़ाते हुए जनसेवा का अपना कार्य बना रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रकाश कुमार और महानगर अध्यक्ष मनोज नारायण भगत व धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश महासचिव विनोद कुशवाहा ने किया।